नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं जीआरपी लिमिटेड की। दोस्तों, अभी आपकी स्क्रीन के सामने ये जीआरपी लिमिटेड का चार्ट है जिसमें मैंने डेली टाइम फ्रेम को सेट किया हुआ है, और इसमें जिस तरीके की मूवमेंट अभी हम देख रहे हैं हाल फिलहाल के कुछ दिनों से, उसको देखते हुए ये समझने की कोशिश करेंगे कि आने वाले टाइम में क्या एक्सपेक्टेशन है इस पर्टिकुलर स्टॉक से। देखिए, इसने एक ब्रेकआउट दिखाने की अभी एक कोशिश की हुई है। 9.32 इसका करंट प्राइस है। हालांकि आज ये एक थोड़ी सी करेक्शन दिखा रहा है, पर चार्ट्स पर बहुत स्ट्रांग नज़र आ रहा है। यहाँ पर ये डेली चार्ट्स पे अगर हम देखें तो मार्केट में इसने जो भी करेक्शन दिखाई है वहाँ पर सिर्फ एक कंसोलिडेट किया इसने अपने आप को लोअर लेवल पे, और फिर ये जो ये एक अप ट्रेंड बनने जैसा एक जो सिनेरियो अभी नज़र आ रहा है, इसमें मार्केट एक या दो हफ्तों के अंदर अंदर मोस्ट प्रोबेबली 1000 का एक जो साइकोलॉजिकल मार्क है ये इसे ब्रेक कर देगा और प्राइसेस जो हैं और ऊपर में काफ़ी सस्टेन कर सकते हैं। वीकली चार्ट्स पे एक नज़र डालते हैं, वहाँ देखते हैं कि किस तरीके का हमें सिनेरियो नज़र आ रहा है। यहाँ पर अगर हम देखें तो मार्केट में एक डाउन साइड रही है काफ़ी टाइम से, और अभी ये पूरा का पूरा पार्ट जो है एक स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन का बना रहा है जिसमें इसमें और ऊपर जाने के चांसेस अभी बन रहे हैं। 1000 के ब्रेक करते ही मार्केट जो है 1200 के एक टारगेट प्राइस को टच करने के लिए तैयार हो जाएगा। 1200, 1300 ये दो प्राइस हैं जो बहुत इजीली अचीव हो जाने चाहिए आने वाले कुछ ही हफ्तों में। जो एक टाइम ड्यूरेशन है करीब करीब 2 महीने तक का रह सकता है मैक्सिमम, जिसमें हमारा जो स्टॉप लॉस है वो रहेगा 812 का। जब तक 812 ब्रेक नहीं होता, आप हर डिप पे अपनी पोजीशन को एक्यूमुलेट कर सकते हैं और ज़्यादा बाइंग कर सकते हैं। तो 812 के स्टॉप लॉस से 1200, 1300 इन टारगेट लेवल्स को हम लेके आगे चल सकते हैं। तो ये था मेरा जीआरपी लिमिटेड पे अभी का वीडियो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, बने रहें मेरे साथ, देखते रहिए मार्केट रिपोर्ट। धन्यवाद।